हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम पेशी तंत्र यानी कि मस्कुलर सिस्टम और मसल्स यानी कि पेशी के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। मनुष्य और कुछ अन्य जंतुओं की बॉडी में विभिन्न कार्य करने के लिए एक सुविकसित मस्कुलर सिस्टम यानी कि पेशी तंत्र पाया जाता है, जिसका प्रमुख कार्य है मूवमेंट और लोकोमोशन में सहायता करना होता है। मसल्स जो होती हैं स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, पेशियां जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, विशिष्ट ऊतक होते हैं जो मीजोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं, जिनकी उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है। लेकिन दो मसल्स हैं, आयरिस मसल्स और सीलियरी बॉडी ऑफ आई। तो आंख की सीलियरी मसल और आयरिस, ये एक्टोडर्म से बनी होती है, अर्थात इनकी उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है। अन्यथा सभी मसल्स की जो उत्पत्ति होती है वो मीजोडर्म से होती है। याद रखने के लिए एम से मीजोडर्म और एम से मसल्स होती है। इनकी जो सेल्स होती है वो मायोसाइट्स कहलाती हैं या मसल फाइबर कहलाती हैं, और उसके अंदर संकुंचनशीलता यानी कि कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होने की क्षमता होती है। और सभी जो बॉडी की मसल्स होती हैं वो मिलकर सभी मस्कुलर सिस्टम बनाती हैं। मस्कुलर सिस्टम में कनेक्टिव टिश्यू भी जुड़ा हुआ होता है और साथ में नर्व्स भी जुड़ी होती हैं, ब्लड वेसल्स भी जुड़ी होती हैं। ये सभी मिलकर कोऑर्डिनेटेड वे में काम करती हैं, अर्थात इनके साथ जुड़कर काम करती हैं, और इनके बिना मसल्स का भी कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लड ऑक्सीजन और अन्य चीज़ें लेकर आता है, नर्व से इंफॉर्मेशन आती है, कनेक्टिव टिश्यू इस पर कवरिंग बनाता है। तो बॉडी का जो एक्सटर्नल और इंटरनल, बाह्य और आंतरिक जो पार्ट होते हैं वो मस्कुलर सिस्टम से बने होते हैं। और बॉडी में जो मसल्स की संख्या होती है वो होती है 639, और पूरी बॉडी में जो मसल्स होती है वो हमारी बॉडी का 40-50% भाग बनाती हैं। जो मसल्स होती है उसकी जो स्टडी होती है उसको मायोलॉजी बोलते हैं, यानी कि पेशी विज्ञान। और सार्को और मायो वर्ड जो होता है वो मसल्स के लिए लगाते हैं। सबसे बड़ी मसल्स ग्लूटियस मैक्सिमस होती है, जो थाई में प्रेजेंट होती है। और सबसे छोटी मसल्स जो होती हैं वो स्टीपेडियल मसल्स होती हैं या इरेक्टर पिलाई मसल्स होती हैं। इरेक्टर पिलाई मसल्स हेयर से संबंधित होती हैं, और स्टेपेडियल मसल जो होती है कान में जो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, उससे संबंधित होती है। जो मसल्स होती हैं वो हमारी बॉडी में कई सारी स्पेशल प्रॉपर्टीज शो करती हैं, गुण प्रदर्शित करती हैं। और वो चार प्रॉपर्टी जो गुण हैं जो विशेष होते हैं वो होती है संकुंचनशीलता यानी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, उत्तेजनशीलता यानी कि एक्साइटेबिलिटी, विस्तारणीय क्षमता इसे एक्सटेंसिबिलिटी, और लचीलापन यानी कि इलास्टिसिटी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का मतलब क्या है कि मसल्स में फोर्सफुली बलपूर्वक अपनी सामान्य लेंथ जो होती है, सामान्य लंबाई जो होती है, उससे वो 1/3 और 1/2 छोटी हो सकती है। यानी कि जो मसल है उस मसल की वह क्षमता जिसके कारण वह अपने प्रारंभिक लेंथ का 1/3 1/3 या 1/2 भाग से छोटी हो सकती है, अपनी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की जो 1/3 और 1/2 लंबाई में छोटी हो सकती है, इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी यानी कि संकुंचनशीलता। दूसरी है उत्तेजनशीलता यानी कि एक्साइटेबिलिटी, यानी कि मसल्स की वह क्षमता वह कैपेसिटी जिससे वो किसी भी स्टिमुलाई के प्रति रेस्पॉन्ड करती है, कार्य करती है, उसे बोलते हैं हम उत्तेजनशीलता। और स्टिमुलाई या अकेला स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, स्टिमुलाई प्लूरल होता है, स्टिमुलस अकेला होता है।
तो बॉडी के अंदर और बाहर कोई भी जो चेंज होता है, परिवर्तन होता है, हम उसे स्टिमुलस कहते हैं। तो स्टिमुलस के प्रति उसका जो कार्य होता है, उसका जो रेस्पॉन्ड होता है मसल्स का, उसको हम बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी, यानी कि मसल की वह क्षमता जिसके कारण वो किसी भी स्टिमुलस के प्रति, किन्हीं भी स्टिमुलाई के प्रति रेस्पॉन्ड करती है, कार्य करती है, उसके बदले में उसे हम क्या बोलते हैं, उत्तेजनशीलता यानी कि एक्साइटेबिलिटी कहते हैं। तीसरी है विस्तारणीय क्षमता यानी कि एक्सटेंसिबिलिटी। मसल अपनी नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज से, जो सामान्य उसकी जो लेंथ है, उससे अधिक बड़ी भी हो सकती है, उसकी इस क्षमता को बोलते हैं विस्तारणीय क्षमता यानी कि एक्सटेंसिबिलिटी। और इलास्टिसिटी यानी कि लचीलापन का मतलब क्या है, कि मसल की वह क्षमता जिसके कारण मसल्स पुनः अपनी वास्तविक ओरिजिनल रेस्टिंग लेंथ पर आ जाती है, उसे हम एक्सटेंसिबिलिटी, उसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। यानी कि जब वो स्ट्रेच हो जाती है, खिंच जाती है, तो खिंचने के बाद वापस उसकी जो क्षमता, वह क्षमता जिसके द्वारा वो वापस अपनी नॉर्मल रेस्टिंग लेंथ प्राप्त कर लेती है, उसे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। यानी कि संकुंचनशीलता यानी कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब मसल की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी प्रारंभिक लंबाई का, लेंथ का 1/3 से 1/2 भाग छोटी हो सकती है, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी यानी कि संकुंचनशीलता। एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कि किसी भी मसल की वह क्षमता जिसके कारण वो किसी भी स्टिमुलस के प्रति रेस्पॉन्ड करती है, उसके प्रति कार्य करती है, इसे हम एक्साइटेबिलिटी बोलते हैं। वो अपनी नॉर्मल रेस्टिंग लेंथ से अधिक बड़ी भी हो सकती है, इसको हम एक्सटेंसिबिलिटी बोलते हैं। और स्ट्रेच होने के बाद वापस उसका रिकॉइल होना, अपनी नॉर्मल रेस्टिंग लेंथ पर आना, इसे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। अब जो एक मसल होती है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है, जिसे क्या बोलते हैं, मसल फाइबर। तो एक मसल के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मसल फाइबर। अनेक मसल फाइबर्स मिलकर फैसिकुलाई बनाते हैं, यानी कि बंडल जो होता है उसका, जो बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं उसको हम फैसिकुलाई बोलते हैं, और बहुत सारे फैसिकुलाई मिलकर एक मसल बनाते हैं। तो मसल फाइबर इसकी सेल होती है, और एक मसल फाइबर में बहुत सारे मायोफिब्रिल होते हैं, और एक मायोफिब्रिल में अनेक इसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, जिसे हम सार्कोमियर कहते हैं। तो अब कई सारे सार्कोमियर मिलकर बनाते हैं मायोफिब्रिल, कई सारे मायोफिब्रिल्स मिलकर बनाते हैं मसल फाइबर, जो इसकी सेल होती है मसल की। कई सारे मसल फाइबर्स मिलकर क्या बनाते हैं, फैसिकुलाई। बंडल ऑफ मसल फाइबर, कई सारे फैसिकुलाई मिलकर मसल बनाते हैं। तो एक मसल में कई सारे फैसिकुलाई होते हैं, यानी कि बंडल होते हैं, किसके, मसल फाइबर के। कई सारे मसल फाइबर्स, जो प्रत्येक मसल फाइबर होता है उसमें कई सारे मायोफिब्रिल्स होते हैं, और कई सारे मायोफिब्रिल्स जो होता है उसमें से हर मायोफिब्रिल्स में बहुत सारे सार्कोमियर्स होते हैं। तो अनेक सार्कोमियर मिलकर एक मायोफिब्रिल बनाते हैं, अनेक मायोफिब्रिल्स मिलकर एक मसल फाइबर बनाते हैं, जो उसकी सेल होती है, मायोसाइट भी बोलते हैं। मसल फाइबर, अनेक मसल फाइबर बंडल में होते हैं, ग्रुप में होते हैं, जिसे हम फैसिकुलाई बोलते हैं, और कई सारे फैसिकुलाई मिलकर मसल्स बनाते हैं। अब जो मसल होती है उनके अंदर कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है, तो जो सबसे अंदर की तरफ मसल फाइबर होगा, उस मसल फाइबर पर भी एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है, जिसे क्या बोलते हैं हम, एंडोमाइसियम। अब इसका याद करने क्रम हमें क्या करना है, एंडो माने होता है अंदर, एक्सो माने होता है बाहर, एपी माने बाहर की तरफ होता है। तो मायो मतलब या मीजो मतलब बीच के लिए लगा लेंगे हम। तो एंडोमाइसियम मसल फाइबर के, हर मसल फाइबर के ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है उसे हम बोलते हैं एंडोमाइसियम। कई सारे मसल फाइबर एक ग्रुप में अरेंज होते हैं, बंडल्स में अरेंज होते हैं, और इन बंडल्स को बोलते हैं हम फैसिकुलाई। और प्रत्येक फैसिकुलस के ऊपर, सभी फैसिकुलाई है उनके ऊपर जो कवरिंग होती है उसे हम कनेक्टिव टिश्यू, उसे बोलते हैं पेरिमाइसियम। और जो पूरी मसल के बाहर सबसे ज्यादा बाहर की तरफ कवरिंग होती है उसे बोलते हैं हम एपीमाइसियम, एपी माने सबसे बाहर। तो प्रत्येक मसल फाइबर के ऊपर कवरिंग है वो एंडोमाइसियम, जो प्रत्येक फैसिकुलस है यानी कि जो हर जो बंडल है उसका
मसल फाइबर का, उन मसल फाइबर्स के बंडल फेसिकुलाई के चारों तरफ जो कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है उसे हम बोलते हैं पेरिमाइसियम, और कम सम जो संपूर्ण मसल है उस संपूर्ण मसल के ऊपर जो कवरिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं एपिमाइसियम। एक मसल फाइबर में अनेक मायोफिब्रिल्स होते हैं और एक मायोफिब्रिल में अनेक सार्कोमियर्स होते हैं। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो सबसे जो स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट जो कॉन्ट्रैक्ट होती है वो सार्कोमियर होती है। तो बहुत सारे सार्कोमियर जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सिकुड़ते हैं तो सार्कोमियर के कॉन्ट्रैक्ट होने से मायोफिब्रिल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मायोफिब्रिल के कॉन्ट्रैक्ट होने से मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मसल फाइबर के कॉन्ट्रैक्ट होने से फेसिकुलाई जो बंडल है पूरे बंडल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और पूरी मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होती है। मसल जो होती है वो बोन से अटैच हो सकती है, ये बोन है अस्थि है, और जब वो बोन से अटैच होती है तो जो बोन होती है उस बोन का जो लास्ट पार्ट होता है इसे एपिमाइसियम बोलते हैं। तो जो बाहर वाला पार्ट है या तो वो उससे डायरेक्टली अटैच होगी, तो जो मसल्स होती हैं वो या तो बोन से डायरेक्टली अटैच होगी या एक कनेक्टिव टिश्यू से अरेंज अटैच होती है, इसे बोलते हैं टेंडन। जो दो प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं टेंडन और लिगामेंट, जो बोन से मसल को जोड़ता है कनेक्टिव टिश्यू वो क्या कहलाता है टेंडन, और जो बोन को बोन से जोड़ता है वो हम लोग बोलते हैं लिगामेंट। तो मसल्स की जो स्ट्रक्चर है वो मसल एक ऐसा टिश्यू होता है जो हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मसल जो होती है वो बहुत सारे मसल सेल से मिलकर बनती है जिन्हें मसल फाइबर्स कहते हैं। हर मसल फाइबर के चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू की शीट होती है, इसे क्या बोलते हैं एंडोमाइसियम बोलते हैं। कई सारे मसल फाइबर एक ग्रुप में होते हैं, बंच में होते हैं, बंडल में होते हैं, ग्रुप में होते हैं, इसे फेसिकुलाई बोलते हैं जिन्हें। और ये फेसिकुलाई के चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू की जो कवरिंग होती है उसे हम पेरिमाइसियम बोलते हैं। और जो संपूर्ण मसल होती है जिसमें बहुत सारे फेसिकुलाई होते हैं उसके चारों तरफ एपिमाइसियम होती है। एक कनेक्टिव टिश्यू होता है फैसिया। फैसिया जो होता है ये वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक होता है जो ऑर्गन्स के ऊपर प्रेजेंट होता है नॉर्मली, और जो अंग होते हैं बॉडी के अंदर उसमें प्रेजेंट होता है। तो मसल्स के चारों तरफ भी फैसिकाई उपस्थित हो सकते हैं जो इसको एक प्रॉपर शेप देते हैं, इसको इकट्ठा करके रखते हैं, इसकी सुरक्षा करते हैं। और जो मसल्स होती हैं हमारी बॉडी में वो 40-50% पार्ट बनाती है हमारी वेट का। सबसे जो बड़ी मसल होती है वो ग्लूटियस मैक्सिस होती है, सबसे छोटी जो होती है स्टेपेडियल और इरेक्टर पिलाई मसल होती है। नंबर जो होता है इनका 639 होता है, और ये कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी शो करती है। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और मायोफिब्रिल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तब वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन होने से और फिर रिलैक्सेशन होने से ही हमारे मूवमेंट में, लोकोमोशन में सहायता मिलती है। बच्चों आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।